आरोग्य जागृति की वजह से मुझे ये मौका मिला, ये शनाख्त मिली, शनाख्त। शुक्रिया अब्बू जी, थैंक यू डैडी जी फॉर गिविंग मी दिस रिकग्निशन। आगे सुनिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, शुक्रिया आपका हर चीज के लिए। एक बेटी अपने बाप को लिख रही है, शुक्रिया आपका हर चीज के लिए। आगे लिख रही है, प्राउड टू बी योर डॉटर, मुझे फखर है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। माशाल्लाह, मुझे फखर है। और हर बेटियों को अपने वालिद, अपने माँ बाप के ऊपर फखर होना चाहिए। आई लव यू डैडी, सच में मोहब्बत तो माँ बाप से मोहब्बत, तो मोहब्बत ये सब आलतू फालतू चीज, लेकिन असल मोहब्बत, असल इश्क, असल लव जो है ना, ये जो चीज है ना, ये अपने माँ बाप से शुरुआत है और माँ बाप पर एंड है। इसलिए लिखा है आई लव यू डैडी जी, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। एक बेटी ने अपने बाप को ये लिखा है अल्फाज, और लिखा है आई लव यू फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इसको भी नहीं मालूम कि मैंने इसके मेल में से, इसके वालिद साहब के इसमें से ये लेकर आया मैंने पत्र। मुझे बहुत अच्छा लगा, दो चार लाइन का मैम, इट्स रियली हार्ट टचिंग, राइट और नॉट? सुभान अल्लाह, आई एम रियली प्राउड कि डॉक्टर अख्तर शेख साहब की बच्ची हमारे बीच एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है। बहुत बड़ी बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट इज नॉट अ जोक। इसके ऑल इंडिया इंडिया लेवल पर एग्जामिनेशन, बहुत टफ एग्जाम होता है। तो हम ये चाहेंगे मेरे यहाँ के अपने सारे ग्रामीण भाग के पेरेंट्स जो आए हैं, हमारी बेटी भी आगे बढ़े, हमारी बेटी भी डॉक्टर बने, हमारी बेटी भी इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, एमपीएससी करे, आईआईटी के लिए जाए, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। इसीलिए मैं इस रुबाबदार पर्सनैलिटी का, इनका सत्कार एक रुबाबदार पर्सनैलिटी से ही करना चाहता हूँ। एडवोकेट मानसी जी कहने कर, मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज इस बच्चे का दिल से स्वागत करें और इसका अच्छा सत्कार करें। प्लीज गिव अ बिहाइंड एवरीबॉडी, क्लैप योर हैंड्स। जागृति।